मकान छोड़ना है तो मैं कभी भी छोड़ सकूं, कोई बड़ा मसला है? मसला ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसकी बुनियाद पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसके लिए आज उन्होंने छुट्टी दी है उसको याद करें और उसको रेस्टोर करें, उसको रेस्टोर करें, वो इशू है। मैं हुआ मुफ्ती को मकान छोड़ना नहीं छोड़ना कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी की मिसाल आपको लग रहा है कि यूके में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट बन गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जब तक हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी यहाँ भी सेक्युलरिज्म था, यहाँ का प्रेसिडेंट मुस्लिम होता था, प्राइम मिनिस्टर सिख होता था, यहाँ भी सेक्युलरिज्म पनप रहा था। मगर जब से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं पूरा इस मुल्क का सेक्युलरिज्म दांव पे लगा हुआ है, उस पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलित को लिंच किया जा रहा है, तो इसलिए जो यूके में हुआ वो तो एक मिसाल है। मगर छोड़ना है तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ, कोई बड़ा मसला है? मसला ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसकी बुनियाद पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसके लिए आज उन्होंने छुट्टी दी है उसको याद करें और उसको रेस्टोर करें, उसको रेस्टोर करें, वो इशू है। मैं हुआ मुफ्ती को मकान छोड़ना नहीं छोड़ना कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी की मिसाल आपको लग रहा है कि यूके में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जब तक हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी यहाँ भी सेक्युलरिज्म था, यहाँ का प्रेसिडेंट मुस्लिम होता था, प्राइम मिनिस्टर सिख होता था, यहाँ भी सेक्युलरिज्म पनप रहा था। मगर जब से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं पूरा इस मुल्क का सेक्युलरिज्म दांव पे लगा हुआ है, उस पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलित को लिंच किया जा रहा है, तो इसलिए जो यूके में हुआ वो तो एक मिसाल है। मगर छोड़ना है तो मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ, कोई बड़ा मसला है? मसला ये है कि जो उन्होंने वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसकी बुनियाद पे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसके लिए आज उन्होंने छुट्टी दी है उसको याद करें और उसको रेस्टोर करें, उसको रेस्टोर करें, वो इशू है। मैं हुआ मुफ्ती को मकान छोड़ना नहीं छोड़ना कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी की मिसाल आपको लग रहा है कि यूके में आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए जब तक हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी यहाँ भी सेक्युलरिज्म था, यहाँ का प्रेसिडेंट मुस्लिम होता था, प्राइम मिनिस्टर सिख होता था, यहाँ भी सेक्युलरिज्म पनप रहा था। मगर जब से मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं पूरा इस मुल्क का सेक्युलरिज्म दांव पे लगा हुआ है, उस पर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को लिंच किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, दलित को लिंच किया जा रहा है, तो इसलिए जो यूके में हुआ वो तो एक मिसाल है। मगर